कुदरती हुस्न और मादनियात की दौलत से मालामाल एबटाबाद। जिला एबटाबाद का सदर मकाम और सूबा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक अहम शहर और तीसरा बड़ा जिला है। सतह समंदर से इसकी बुलंदी 4120 फुट है, जो चारों इतराफ से बुलंदो बाला और खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये जिला दो तहसीलों में मुनकसम है, एक तहसील खुद एबटाबाद और दूसरी हवेलियाँ हैं। रावलपिंडी से 101 किलोमीटर दूर ये पाकिस्तान का नहायत पुरफिजा मकाम है। इस जिले का कुल रकबा 1813 किलोमीटर स्क्वायर है। इस शहर की बुनियाद 1863 में बरतानवी हुकूमत के मेजर एबट ने रखी और अपने ही नाम से इस शहर को मौसूम कर दिया। यहाँ की कुल आबादी 14 लाख से जायद अफराद पर मुश्तमिल है और 94% अफराद की मादरी जबान हिंद को है। अगर इस ज़िले के तारीखी पस मंज़र की बात करें तो सन 1818 में रंजीत सिंह ने इस इलाके पर हमला किया और अपने दो जर्नैलों और 23 सिपाहियों की कुर्बानी के बाद इस इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। इस शहर में सबसे पहला स्कूल सन 1930 में खोला गया। अगर आज की दौर की बात की जाए तो एबटाबाद में कई मशहूर स्कूल और तालीमी इदारे हैं। बरतानवी दौरे हुकूमत में कायम शुदा आर्मी बर्न हॉल कॉलेज और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कोल इनमें अहम तालीमी इदारे हैं, जो फौजी और सिविल तालीम के लिए पाकिस्तान में शोहरत रखते हैं। पाकिस्तान के शहर कराची को जिस तरह रोशनियों का शहर कहा जाता है, इसी तरह एबटाबाद को भी स्कूलों का शहर कहा जाता है। एबटाबाद तालीमी सरगर्मियों में हमेशा पेश रहा। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के हर इलाके से हर साल सैकड़ों बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ सबसे पहली डिस्पेंसरी 1911 में खोली गई। एबटाबाद पुरफिजा मकामात की वजह से बहुत मशहूर है। मशहूर कराक्रम हाईवे एबटाबाद जिले के मकाम हरिपुर से शुरू होती है। सरसब्ज मकामात से घिरे होने की वजह से गर्मियों में भी मौसम यहाँ का खुशगवार होता है। मुजफ्फराबाद, खंजराब, हंजा, गिलगित, स्कर्दू जाने के लिए एबटाबाद एक जंक्शन का काम देता है। अहम तफरी मकामात में यहाँ अयूबिया, रनू, अजीज़ाबाद, बाग बांडी, नथिया गली, मानसेहरा, कलंदराबाद, नारान, कागान जैसे मकामात इस इलाके को मज़ीद दिलकश बना देते हैं। ये इलाका 26 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ठंडियानी, जिसका मतलब मकामी जबान में सर्द है, यहाँ का एक अहम तफरीही मकाम है। पाइन दरख्तों के झुंड में ये एक सतह मुर्तफा पर मुश्तमिल पुरफिजा मकाम है। सतह समंदर से इसकी बुलंदी 2700 मीटर है। एबटाबाद शहर से इसकी दूरी 31 किलोमीटर है और एबटाबाद से आसानी के साथ वहाँ पहुँचा जा सकता है। मशरक़ की तरफ दरियाए कुनहार के परे कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। एबटाबाद शहर के अलावा इसके गांव भी साफ और पुरफिजा हैं। एबटाबाद के मशहूर गांव में मालसा, जो एक वादी नुमा खिता है, बहुत खूबसूरत है। एक सतोड़ा गांव है जो एबटाबाद से 15 किलोमीटर के फासले पर है। ये चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों के दामन में वाकिया है। ये प्याला नुमा वादी है। ये ज़िला एबटाबाद का सबसे बड़ा गाँव है। वादी सतोड़ा में कोम कड़ाल के लोग आबाद हैं। अगर खानों की बात की जाए तो एबटाबाद की मछली और पकोड़े जायके के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ पर मौजूद सरबन एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जिसने पूरे एबटाबाद को अपने घेरे में लिया हुआ है और यही पहाड़ी सिलसिला एबटाबाद को खूबसूरत बनाता है। एबटाबाद में एक बड़ी तादाद में चिनार के दरख्त भी पाए जाते हैं और इसी वजह से इस शहर को, यानी एबटाबाद को, सिटी ऑफ चिनार भी कहा जाता है। यहाँ की मशहूर मस्जिदों में इलियासी मस्जिद काबिले जिक्र है, जिसके बारे में मशहूर है कि ये मस्जिद पहाड़ों से बहकर नीचे आने वाले पानी से बनाई गई।